साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहा हूं। बायतू पुलिस और गिड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गन, मैं 4 कारतूस, एक पिस्टल, मैं 3 मैगजीन, 10 जिंदे कारतूस किए बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से बिना नंबरी स्कॉर्पियो वाहन को किया जब्त। भारी मात्रा में नकदी की बरामद। इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जेतावत ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की है। तो पूरा मामला क्या है, पूरी घटनाक्रम क्या है, कौन है आरोपी, कहां जा रहे थे और क्या मामला है, पूरा नरपत सिंह जेतावत से सुनते हैं। जैसा आपको विदित है, अभी हमारी सडन नाकाबंदी हम करते हैं समय बदल बदल के। तो बायतू SHO ने कल इवनिंग में दिन में नाकाबंदी लगा रखी थी, तो एक स्कॉर्पियो आई जो बिना नंबर की थी। वो नाकाबंदी को देख के रुकी। थाना अधिकारी भी अपने जाब्ते के साथ, अपनी टीम के साथ थे और उन्होंने पहले से नाकाबंदी का अच्छा प्लान किया था और साथ में प्राइवेट व्हीकल भी रखा था, उन्होंने भी स्कॉर्पियो रखी थी। स्कॉर्पियो चालक पास में आते ही फिर तुरंत उसने भगा ली। इसका SHO बायतू ओम प्रकाश जी की टीम ने उनका पीछा किया और इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि उनके पास भी बायतू SHO के पास भी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, तो उसने 100-150 की स्पीड से भगाई, कानोट तक पीछा किया। आगे हमने इतला दे दी SHO गीड़ा को। गीड़ा ने आगे गाँव वालों के सहयोग से जो प्रोबेबल रस्ते थे वो सारे रस्तों को ब्लॉक करा दिया, तो उसने राइट में घुमा दी। राइट में घुमाते हुए वो भगाता रह गया। मीनवाइल उसकी गाड़ी जो जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से हमारी गाड़ी भी पीछे चल रही थी। केवल हमारा ये ध्यान था किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो। इन्होंने, इनकी टीम ने उसका निरंतर पीछा करके उसको घेरा तो वो गाड़ी को वहीं छोड़ के खेतों में भाग गए। इस पर इनके पास केवल 3 ही आदमी थे। उन तीनों आदमियों ने, एक आदमी इन्होंने अपनी उस बदमाशों की गाड़ी के पास छोड़ा और उनका पीछा करते रहे। पीछा करते हुए उन्होंने करीब 3 किलोमीटर और खेतों में भागे और लास्ट में वो दोनों बदमाश ये सोच के खेत में सो गए कि अब कैमोफ्लेज एक करके और हमारे को पुलिस ढूंढ के चली जाएगी। लेकिन फिर हमारे एक कांस्टेबल ने पैरों से पीछा किया और अंत में उसको नैब किया। पास पीछे ही SHO थे उन्होंने और वो उनकी टीम ने और गीड़ा SHO की टीम ने उनको पकड़ लिया। सर ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ जाने की तैयारी थी, उनके पास क्या मिला? ये जो गाड़ी है ये चोरी की है, नंबर प्लेट इसमें घिसी हुई है और चूंकि इस गाड़ी में एक गन, 4 कारतूस, एक पिस्टल, मैं 3 मैगजीन, 10 कारतूस मिले हैं। दोनों आरोपी हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक जगदीश है, गोदावास का, भोपालगढ़ जोधपुर का रहने वाला, उसके विरुद्ध 14 प्रकरण पंजीबद्ध है और वो NDPS के प्रकरण, मादक पदार्थ के और विभिन्न प्रकार के चोरी के केसेस भी है, उसमें वो वांटेड भी है। दूसरा जो एक्यूज है वो रामसर का रहने वाला है और अभी 302 हाथवा में एक केस प्रकरण हुआ, उसमें जमानत पर अभी हाल ही में छुटा और इसमें करीब 5 लाख से ज़्यादा नकदी भी मिली है। तो मोस्ट प्रोबेबल ये लोग दोरीमना से होते हुए ये जोधपुर जा रहे थे और वहाँ से इनका कोई अवैध मादक पदार्थ वगैरह में इसकी लिप्तता सामने है। तो क्या मकसद सर, ये हत्या लेके कहीं घूम रहे थे, कोई वारदात करने वाले थे, क्या था इनका? सामान्यतः जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखा इससे ये साबित होता है कि चूंकि कोई भी अपराधी है उसके पास वेपन भी है, लोडेड वेपन है और नकदी है और गाड़ी चोरी की है, तो उनका जो आशय है वो अच्छा तो हो नहीं सकता। या तो कोई वारदात करने की फिराक में है या मादक पदार्थों की तस्करी में ताल्लुक रखते हैं। सर दूसरे आरोपी का नाम क्या है? सर दूसरे आरोपी का नाम है, क्या नाम? संतोष कुमार। संतोष कुमार, एक का जगदीश कुमार, दूसरा संतोष कुमार। तो ये जो टीम हमारे SHO और गीड़ा SHO दोनों का एक जॉइंट वेंचर था। और जैसा आपको विदित है पिछली बार हमने 200 किलोमीटर पीछा किया, इन्होंने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उसका पीछा करके उसको नैब किया और उसमें भी लोडेड वेपन्स थे, पिस्तल थे। तो एक तरह से पुलिस ने बहुत ही प्रोएक्टिव हो गया और उसका पीछा किया। सामान्यतः तस्करों के पास स्कॉर्पियो गाड़ी होती है, तो इसमें हमारा SHO का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो अच्छा था कि वो उनके समान एक स्कॉर्पियो उन्होंने पहले प्लान करके रखी थी। ग्रामीणों का सहयोग रहा, प्रोबेबल जो एस्केप रूट है कानोट से गीड़ा की तरफ जाते हैं और गाँव के रास्ते हैं, उन रास्तों में भी गाँव वालों ने, इन्होंने पहले से फ़ोन करके उनको रास्ते ब्लॉक करवा दिए थे और क्रिमिनल्स ने भी अपना
नेटवर्क्स के साथ में व्हाट्सएप कॉलिंग करके और प्रोबेबल रास्ता जानना, वो प्रयास भी उन्होंने शुरू किया था। एक अंत में पुलिस टीम ने उसका पीछा करके उसको नहीं, तो ऐसे मालूम पड़ गया। ऐसे जो बायतो की टीम उससे करीब 100 मीटर और 200 मीटर की डिस्टेंस से पीछा करी थी, और ऐसे जो बायतो भी आपको, आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको बता देंगे। ठीक है।